कला क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पर 2009 मसीह केन्द्र सरकार पद्मश्री उपाधि पुरस्कृत करते से होती एकाधारे जड़े विशिष्ट शिक्षाविद एवं दिल्ली IIT प्रोफेसर 74 वर्ष बयस वर्तमान साइकिल रे भारत यात्रा करुछंत से होती पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ। आज आम तांको सहित तो आलोचना करवा कहीं साइकिल रे भारत यात्रा करुछंत तो आम पाखे देखिपे अच्छा वर्तमान पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ तो साइकिल रे यात्रा करुछंत 2022 काश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल रे यात्रा करथिले संदेश नहीं परिवेश प्रदूषण मुक्त करिबा पर्यावरण सुरक्षा करिबा एभली किछि नै जेतेले भारत यात्रा करुथले एबे पूर्णी पुनर्बार आरंभ करछंत यात्रा। आमे तांकु अर्गस न्यूज पे आपको स्वागत है। तो आपका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है जो आप साइकिल में भारत यात्रा कर रहे हैं? मेरी ये उद्देश्य, यहाँ तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ये है कि पर्यावरण के लिए तो अच्छा होता ही है साइकिलिंग, शरीर के लिए भी अच्छा होता है साइकिलिंग, पर अगर आप एकांत में साइकिलिंग करोगे तो एक ध्यान बन जाता है। तो इसलिए मैं सोलो साइकिलिंग करता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं सब जो साइकिल करते हैं उनको ये एक सजेशन देना चाहता हूँ, कोशिश करिए जितना कम बातचीत करोगे बहुत अच्छा रहेगा, एक और डायमेंशन आ जाएगा आपके साइकिलिंग में। ये तो पहला एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य ये जो स्पिक में की है, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, ये एक आंदोलन है जिसमें जैसे ये सिद्धेश्वर नायक हुए, जैसे नवकिशोर बेहुरा हुए, ये सब जुड़े हुए हैं। एक आंदोलन हम लोग ले जा रहे हैं सारे देश और विदेश में। एक साल में हम करीब 5000 कार्यक्रम करते हैं, करीब 500 शहरों में देश में और 50 विदेश में, राइट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, IITs, राइट डाउन टू गवर्नमेंट स्कूल झुमरी तलैया। ये स्पेक्ट्रम है, इसमें अपने शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, हस्तशिल्प, योग और ध्यान, चलचित्र, ये सारी चीज़ें को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे ओडिसी डांस हुआ, जैसे पटचित्र हुआ, जैसे प्रहलाद नाटक हुआ, ओडिशा की बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा उद्देश्य ये है कि हम महात्मा गांधी को भूल रहे हैं, उनके उच्च विचार और साधारण जीवन, इसलिए जो मैंने साइकिल ली है बहुत साधारण साइकिल है, 7000 रुपये की साइकिल है, उसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, कोई शॉकर नहीं है, कोई गियर्स नहीं है, और बिल्कुल करीब 3 जोड़ों कपड़ों के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि अब वापस जाने की, कर तो लिया मैंने श्रीनगर से कन्याकुमारी, अब वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अभी आपको 74 साल हुआ है, एज आपका 74 साल है, तो आपने अभी तक 8000 किलोमीटर साइकिल किए है, अभी कितना किलोमीटर आगे है, अभी तक कितने किलोमीटर आप साइकिल पर यात्रा किए हैं? अभी तो मैंने कर लिया अब करीब करीब 8000 किलोमीटर जैसे आपने कहा, अब जितना और चार देखेंगे, हम तो अब कह रहे हैं जब भी हम कहें, हमारा मन कहेगा अब हो गया काफ़ी, बंद करके वापस घर। अभी तो हम कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि मैं करते करते जाऊँ वापस दिल्ली, कोशिश ये, क्या होगा पता नहीं, अभी तक तो कलकत्ते तक है। तो आगे क्या कार्यक्रम है आपका? आगे कार्यक्रम यही है कि ये जो इसका स्पिक में के जो है, इसका प्रचार प्रसार करना है, बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अगर हमें बच्चों में एकाग्रता लाना है और धैर्य लाना है तो ये चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं। मैं अध्यापक के ओर से कह सकता हूँ कि अगर बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा करना हो तो उनको इनके चीज़ों के साथ, हमारे पूर्वजों ने हमें जो दिए हैं उनके साथ जुड़ना ही पड़ेगा। खाली ब्रेक डांस से, खाली डांस बेबी डांस से नहीं चलेगा, अगर उनने अच्छा करना है, अगर हमें हमारे जो बच्चों को ऐसे होना है कि वो अब चंद्रयान क्या स्टार यान तक ले जाएं, हमारे अगर ऐसे हमें ले जाना है तब उनको ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ना पड़ेगा। खाली हंसी मजाक से नहीं चलेगा, एंटरटेनमेंट वो नहीं चलेगा, आपको अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग ये चीज़ों से आती है, हमारे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, एक 3-3, 4-5 घंटे चौक में बैठो, देखो क्या होता है आपके मन को।
तो ये चीज़ों को हमें बच्चों को बताना है इसका लाभ, कि एक खाली आपको मनोरंजन खाली ज़िंदगी में नहीं चाहिए, खाली मनोरंजन से नहीं चलेगा, आपको ऐसी चीज़ जहाँ आपका ट्रेनिंग ऑफ द माइंड होए ये करना पड़ेगा। तो जो भाई भाव शुणुले पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ सहित आम आलोचना करूँ भारतीय कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को उज्जीवित रखा पर्यावरण सुरक्षा करने एवं महात्मा गांधी बार्ता को प्रचार प्रसार करने सारा देश में मूल लक्ष्य तेरे लक्ष्य नहीं से वर्तमान भारत यात्रा बाहरी आम महाप्रभु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करवा 74 वर्ष बयसर यही पद्मश्री किरण सेठ यात्रा सफल हो। आठगढ़ संतोष बारिक अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।